नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गज केसरी योग बनता कैसे है। जैसे कि गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब सिंह, और हाथी जैसे गंभीरता, शेर जैसी दहाड़ ताकत, अगर हमारे हाथ में यह योग बनता है तो काफी प्रबल योग और काफी महत्वपूर्ण योग माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली ये हमारे निम्न का मंगल है। निम्न मंगल से निकल कर ये शुक्र के पर्वत को घेरते वाली रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। और इसी निम्न मंगल से चलकर एक रेखा ऊर्ध्व मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जो कि हमारी विचारों की रेखा कहते हैं, जो हमारी दिमाग की रेखा कहते हैं। और बुध के छेद से चलकर गुरु की पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हृदय रेखा कहते हैं, जिसको हम प्रेम की रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये योग काफी प्रबल योग क्यों बनता है, क्यों माना जाता है? जैसे कि ये हमारे गुरु का क्षेत्र है, गुरु का क्षेत्र और ये गुरु का पर्वत है। गुरु का पर्वत एक विस्तार का ग्रह माना जाता है, एक ज्ञान का ग्रह माना जाता है। और ये गुरु का पर्वत समान रूप से ऊंचा होना चाहिए और ये गुरु की फिंगर लंबी होनी चाहिए। और ये चंद्र का क्षेत्र है, इसको हम चंद्र का पर्वत बोलते हैं। ये चंद्र का पर्वत, ये चंद्र का पर्वत समान रूप से ऊंचा होना चाहिए और इसके ऊपर कोई बुरे चिन्ह नहीं बने होने चाहिए। अब गुरु और बुध के कॉम्बिनेशन से यह योग बनता है। जैसे कि यह योग में जन्मा व्यक्ति अपने जीवन के हर उस ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, और उसके लिए आपके हाथों में, ये दोनों हाथों में होना चाहिए यह योग। जो गज केसरी योग बनता है, ये दोनों हाथों में सेम कंडीशन में अगर बनता है तो आपके जीवन काल में हर वो सुख सुविधाएं प्रदान करता है। और जैसे कि हम गुरु को ज्ञान का ग्रह मानते हैं, विस्तार का ग्रह मानते हैं, अथॉरिटी का ग्रह मानते हैं, अमृतमय वाणी होती है गुरुदेव बृहस्पतिदेव की, जिसके ऊपर इनकी कृपा बरस जाए, अपने जीवन काल में सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में उच्च पदों पर आसीन होते हैं और अपनी सारी मनोक इच्छाएं पूरी करते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा चंद्र का जो पर्वत है, उत्तम हो और इसके ऊपर शुभ साइन हो। जो शुभ साइन होते हैं गुरु और गुरु के पर्वत पर और चंद्र के पर्वत पर सेम होने चाहिए। तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। जैसे कि कहते हैं ना कि ये चंद्र का पर्वत है। चंद्र क्या है? हमारा एक मन है। मन कब खुश होता है? जब इंसान को सारी अपनी भौतिक सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है तो इंसान का मन जो होता है खुश हो जाता है। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में सारे सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं, मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मन एक गहरे समुद्र की तरह काफी खोज करने वाला, ऐसे लोग जीवन काल में जिसका मन प्रसन्न है अपने जीवन की समुद्र की गहराइयों की तरह डूबते हैं, कुछ न कुछ निकालने की कोशिश करते हैं उस समुद्र की गहराई से, क्योंकि मन है, मन खुश है ना, तो आपके अपने जीवन काल में सारी वो सुख आपको नजर आएंगे। लेकिन कहीं अगर ये मन आपका परेशान है तो ये आपको खुशियां भी परेशानियों में नजर आएंगी।
कहते हैं कि चंद्रमा का उदय और चंद्रमा की रेखा जिसको हम भाग रेखा कहते हैं, अगर चंद्रमा के स्थान से चलकर गुरु के पर्वत पर जाती है, ऐसे लोग अपने समान जीवन काल से उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। और ऐसे व्यक्ति शादी के बाद या विवाह के बाद अपने घर से अवश्य दूर भी हो जाते हैं। कहते हैं ना, मन एक समुद्र की गहराइयों में एक मछली की तरह, एक चंचलता की तरफ है, तैरता है ये मन, भागता है दूर की गहराइयों में पाने के लिए, सब कुछ हासिल करने के लिए। संघर्ष तो ऐसे लोग बहुत करते हैं अपने जीवन काल में, बचपन में, लेकिन एक समय इनका ऐसा आता है अपने जीवन काल के सारे मनोइच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं। अब ये चंद्र पर्वत से ये भाग रेखा चलकर ये गुरु के पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा को गज केसरी योग कहते हैं। और यहां पर शुभ साइन बनती है। पहला जो साइन है यहां पर स्टार है, गुरु के पर्वत पर स्टार की बड़ी महानता है। स्टार पावर वाला ग्रह माना जाता है और गुरु के पावर को बढ़ा देता है। और यहां पर दूसरा जो चिन्ह बनता है वो त्रिकोण है। ऐसे लोग समाज में रहकर एक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, अपने से ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलती है और जीवन काल में हर वो इच्छाएं पूर्ति भी करते हैं। और यहां पर एक शुभ साइन है जो कि फिश साइन है। कहते हैं ना कि मछली है और यहाँ पे काफी शुभ प्रदान फल देती है। और अब से लोग अपने जीवन काल में एक निरंतर प्रयास की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा चौथा शुभ साइन है वो फ्लैग है। कहते हैं ना पताका है आपके लाइफ में, विजय मिलने वाला है आपको, हर उस काम में आपको सफलता मिलने वाली है जिस काम में आप हाथ डालते हैं, बेशक वो काम आपका डिले हो जाए, अगर ये पताका है, ये झंडा है, तो आपको बुलंदियों पर अवश्य पहुंचाने वाला ये शुभ चिन्ह प्रदान करता है। और ये सारे चिन्ह गुरु के पर्वत पर और या चंद्र पर्वत पर बने हो तो अपने जीवन काल में ऐसे लोग वाहन का सुख, बच्चों का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, इन चीजों को अपने जीवन काल में अवश्य प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में इस जन्म में जन्मे व्यक्ति अतुल धन संपदा के मालिक बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान शिव की अपार कृपा होती है और भगवान शिव की आराधना करने से इनके जीवन काल में अतिरिक्त फल मिलता है। कहते हैं कि अगर इस जन्म में जन्म व्यक्ति अपने सारे वो भौतिक सुख को प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।